हेलो प्यारे दोस्तों, क्या हालचाल है आपके। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैंने आपके साथ अनियन की चटनी की रेसिपी शेयर की है। इसको बनाना बहुत ही सिंपल है, जिसके लिए हमने एक कढ़ाई ली है, उसमें थोड़ा सा डाला है तेल और उसको हम कर लेंगे अच्छे से गर्म। फिर हम उसमें डाल देंगे 8-9 कलियां लहसुन की। फिर हम कर लेंगे लहसुन को थोड़ा सा गोल्डन और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 3 ड्राइड रेड चिली, सूखी लाल मिर्ची। डालने से तीखापन भी बढ़िया आता है और रंग भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया आता है। फिर हम इसमें डाल देंगे 3 मोटे मोटे कटे हुए प्याज। प्याज को बारीक नहीं काटना है, बारीक क्योंकि हम इसको बाद में ग्राइंड करेंगे। प्याज को हम गोल्डन होने तक कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर हम इसमें डाल देंगे 6-7 हरी मिर्ची। आप हरी मिर्ची कम ज्यादा भी कर सकते हैं। ये देखिए हमारे अनियंस का कलर कितना बढ़िया है। अभी हम इसको कर लेंगे ग्राइंड। हम तेल नहीं डालेंगे, हम तेल के बिना प्याजों को लेंगे, प्याज हरी मिर्ची को और लेंगे और फिर हम इसको कर लेंगे ग्राइंड। वही सेम पैन में जो तेल हमारा बचा हुआ था उसमें हमने डाल दिया है 1 चम्मच कलौंजी के सीड्स का और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा जीरा और इसमें हम लोग डाल देंगे हमारे ग्राइंड किए हुए अनियन का पेस्ट। इससे हमारी चटनी को तड़का लग जाएगा बहुत ही बढ़िया सा। आप इस प्रोसेस में रिफाइंड की जगह देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें फ्लेवर और भी बढ़िया आएगा। हमने मिर्ची तो डाल दी थी पर हमने नमक नहीं डाला, तो अभी हम तड़के में इसमें डाल देंगे 1 चम्मच नमक का। आप नमक अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। थोड़ी सी खटास के लिए, टैंगी फ्लेवर के लिए हम इसमें डाल देंगे आमचूर पाउडर। मैंने यहाँ पे 1/2 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर का यूज़ किया है। इसको अच्छे से मिक्स करके 2 से 3 मिनट और कुक करके हम इसको कर लेंगे किसी एयरटाइट कंटेनर में, रख सकते हैं फ्रिज में। इसको कुछ नहीं होगा 1 हफ्ते के लिए। आप इसको किसी भी रोटी सब्जी के साथ एंजॉय करिए। हैव अ गुड डे। बाय।